हेलो एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो वीडियो शुरू करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए। तो चलिए, ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। पहली टिप्स परफ्यूम को लेकर के है। परफ्यूम किसी भी ब्रांड का हो, बस परफ्यूम होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने चूड़ियाँ ली हैं। तो जब भी हम कहीं जाते हैं, किसी पार्टी फंक्शन में जाते हैं, तो हम चूड़ियाँ ज़रूर पहनते हैं। तो जब हम वापस आते हैं तो इनको रखने के लिए हम ऐसे कहीं पर भी फैला करके रख देते हैं, जो ये इन्हें टूटने का डर रहता है। तो हम आज इनका बड़ा अच्छा उपयोग बताने वाली हूँ। तो इस तरह से इसकी बॉटल में डाल करके आप रख दीजिए। जब भी मौका मिले फिर इनको अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज करके रख दीजिए। जहाँ पर आप ऑर्गेनाइज करते हैं चूड़ियों को, वहीं पर ऑर्गेनाइज कर दीजिए। लेकिन जब तक आप इनको नहीं रख सकते तब तक इस तरह से आप रख सकते हैं, और देखने में भी ख़राब नहीं रहेंगी और ना ही टूटने का डर रहेगा। तो आई होप ये टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट टिप्स को देख लेते हैं। नेक्स्ट टिप्स भी इसी परफ्यूम को लेकर के ही है। फिर वही बात होती है, परफ्यूम किसी भी ब्रांड का हो बस परफ्यूम होना चाहिए। क्या होता है, हमारे कभी कभार हाथों में मच्छर या कोई कीड़ा काट लेता है और बहुत खुजली होती है। तो उसके लिए परफ्यूम को इस तरह से स्प्रे कर दीजिए और उसी जगह पर ऐसे फैला दीजिए। तो जहाँ पर खुजली हो रही थी तो वहाँ खुजली होना बंद हो जाएगा। तो आई होप ये भी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। तो चलिए नेक्स्ट टिप्स को देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने आइसक्रीम का डिब्बा लिया है। इस तरह के आइसक्रीम के डिब्बे हम सभी के यहाँ होते हैं और इसे हम लोग कबाड़ समझ करके फेंक देते हैं। तो इन्हें कबाड़ समझ करके फेंकना नहीं है, इनका हम बहुत अच्छा सा उपयोग बताने वाले हैं, जो आपके काम बहुत आने वाला है और देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह से हम ड्राई फ्रूट्स को लेंगे। कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप ले लीजिए और इनको इनके अंदर डाल करके अच्छे से इनका ढक्कन बंद कर दीजिए और फ्रिज में रख दीजिए, और जब भी ज़रूरत पड़े इनको आप निकाल लीजिए। है ना बढ़िया ऑर्गेनाइजर? इस तरह से आप अपने फ्रूट्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और देखने में भी काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो आई होप ये भी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट टिप्स को देख लेते हैं। इस तरह से कुकिंग एप्रन हम सभी यूज करते हैं, और जब भी हम खाना बनाते हैं तो इस तरह से हल्दी के दाग लग जाते हैं, और इनको साफ़ करने के लिए हम बहुत कोशिश करते हैं और ये अच्छे से साफ़ नहीं हो पाते। चाहे इनको जितना रगड़ो, ब्रश लेकर भी रगड़ो, तब भी ये अच्छे से साफ़ नहीं हो पाते हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक अपनानी पड़ेगी जिनसे ये खूब अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगा। तो उसके लिए ये ट्रिप है कि जब भी इनको धोएं, धोने के बाद इन्हें कड़ी धूप में ज़रूर सुखाएं। कड़ी धूप में सुखाएंगे तो इसकी जो हल्दी है वो उड़ जाती है। नेक्स्ट टिप्स हमारी हरी धनिया को लेकर के। हरी धनिया तो हमारे खाने में चार चांद लगा देती है। अगर इसको सुरक्षित रखना है तो ये बड़ा मुश्किल भरा काम होता है, क्योंकि इतनी नाजुक होती है कि थोड़े से उसमें ये सूख जाती है। अगर बाहर हम इसको रखते हैं तो सूख जाती है, और अगर फ्रिज में हम ऐसे रख देते हैं तो ये सड़ने लगती है। तो इसके लिए एक हम बहुत बढ़िया तरीका बताने वाले हैं। तो पहले क्या करिए, इस धनिया को इस तरह से काट लीजिए जिस तरह से हम सब्जी में डालने के लिए काटते हैं, और इसको वहाँ धोना बिल्कुल नहीं है। जैसे मार्केट से लाए थे बस उसी तरह से इसे ऐसे काट लेनी है, छोटे छोटे पीस में काट लेनी है। अब उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, तो चलिए देख लीजिए। यहाँ पर धनिया कट करके तैयार होगी। यहाँ पर हम टिश्यू पेपर लेंगे। अब टिश्यू पेपर तो हर जगह नहीं मिल पाता है, सब पे यहाँ तो नहीं मिल पाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे कुछ नोटबुक्स पे पेज ले लेंगे, या फिर न्यूज़पेपर ले लीजिए। कुछ ना कुछ तो आपके यहाँ ज़रूर मिल जाएगा। तो हम न्यूज़पेपर को एक किनारे कर देते हैं, क्योंकि टिश्यू पेपर हम सबके यहाँ नहीं मिल पाता है। तो हम यहाँ पर एक कागज़ ले लेंगे। कागज़ का टुकड़ा तो हम सभी के यहाँ मिल जाता है, अगर कागज़ का टुकड़ा ना हो तो न्यूज़पेपर तो मिल ही जाएगा। इस तरह से ये कटी हुई धनिया को हम इसके अंदर लपेट देंगे। बहुत ढीले हाथों से लपेट देना है। तो चलिए मैं लपेट लेती हूँ। इसको इस तरह से लपेट देंगे, और जो एक्स्ट्रा कागज़ है उसको हम ऐसे निकाल देंगे। ये देखिए, इसको ऐसे ढीले ढीले हाथों से लपेट लेंगे। और अब हम एक लेंगे, छोटा सा डिब्बा ले लेंगे इस तरह से एयरटाइट, और इसके अंदर हम भर करके अब फ्रिज में हम इन्हें स्टोर कर देंगे। और जब भी यूज करना हो और निकालिए, इसको धुल लीजिए। जब आप यूज करें ना तब इसको धुलना है, और यूज करने के टाइम अच्छे से धुल लीजिए, और ये हफ्तों इस तरह से हरी भरी बनी रहेगी और आपके खाने में चार चांद लगाती रहेगी। तो है ना बढ़िया सा टिप्स?
आई होप ये भी टिप्स आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। तो चलिए नेक्स्ट टिप्स को देख लेते हैं। इस तरह से ड्रेसेस हमारे पास या साड़ी सूट कुछ भी होते हैं, इन्हें हम ऑर्गेनाइज करने के लिए हैंगर में टांगते हैं, तो हैंग करते हैं। तो जब भी हम इसको हैंगर में इस तरह से हैंग करते हैं, ये देखिए हैंग करके मैं आपको दिखा देती हूँ, जब भी हम इसको हैंग करते हैं, जब ऐसे पकड़ते हैं ज़रा सा तिरछा, जिस तरह से लोड ज़्यादा होता है उस तरफ की ये खिसक जाते हैं और हमारे ड्रेस की प्रेस ख़राब हो जाती है। तो इसके लिए हम एक बढ़िया सा ट्रिक बताएंगे जो आपको अपने घर में ही मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम इस तरह से क्लिप लेंगे, ये क्लिप तो हर घर में होती है, इस तरह से हम इनमें क्लिप दोनों तरफ एक एक क्लिप इस तरह से हम लगा देंगे और जब भी इसको हम उठाएंगे तो ये किसी तरह से हिलने वाला नहीं है। तो चलिए अगली टिप्स हम देख लेते हैं। तो चलिए अगली टिप्स भी इसी को लेकर के मैं एक और टिप्स दे देती हूँ। तो यहाँ पर हमें क्या लेनी है, एक हमें लेनी है टी शर्ट लेनी है, ज़्यादा छोटे साइज में नहीं लेनी है और इतने साइज़ की होनी चाहिए कि वो हैंगर में चली जाए, बस इतने साइज़ की होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने टी शर्ट को ले लिया है। अब हम इस टी शर्ट को सीधा कर लेंगे। तो चलिए मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ, इस तरह से सीधा कर लेंगे और इस हैंगर को इस तरह से पहले हम रख लेंगे। अब इसको हम खोलेंगे, जैसे बच्चों को हम पहनाते हैं ना टी शर्ट, उसी तरह से हम इस हैंगर में टी शर्ट को पहना देंगे। चलिए पहना करके मैं दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरह से पहना देंगे और उसकी बाहें उस हैंगर में इसे डाल। इस तरह से हम अपने सूट का कवर तैयार कर लेंगे। इसमें आप सूट रखिए या साड़ी रखिए, आप कुछ भी इस तरह से इसके अंदर रख सकते हैं और बहुत अच्छा सा आपका ये कवर तैयार हो गया। हम जब भी इसको बनाते हैं तो ज़्यादातर हम इसकी बाहों को काट देते हैं जो हमारी टी शर्ट ख़राब हो जाती है। तो इसमें मैंने इनकी बाहों को नहीं काटा है और इसी तरह से मैं इसको पहना दिया है और कवर बन करके रेडी हो गए। आई होप ये भी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो इसे एक लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए नेक्स्ट टिप्स को देख लेते हैं। इस तरह के हेयर ड्रायर तो हम लोग हेयर को सुखाने में काम में लाते हैं, तो आज हम इनका बढ़िया इतना अच्छा उपयोग बताने वाली हूँ, आप देख करके चौंक जाएंगे। तो चलिए मैं इनका उपयोग बता देती हूँ कि इसको और किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ये लिया है, सेकर लिया है, इसकी जगह पर आपका कोई भी डिब्बा हो सकता है या कोई कांच का बर्तन या कोई स्टील का कोई भी हो सकता है। तो क्या होता है, अगर धूप नहीं होती है, बारिश का मौसम होता है और हम इन्हें सुखाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, और हम इसे कैसे सुखाएं, तो लेंगे और इस पर थोड़ी देर के लिए हम चला देंगे तो अच्छे से ये सूख जाएगा। तो आई होप ये हमारी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होंगी। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, कोई भी टिप्स पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।